गाइस, दिस इज प्रेरणा एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे COVID-19 के बारे में। यस, तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले 2-2.5 साल से कोरोना ने ना केवल इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में तबाही मचा के रखी है, बहुत ज्यादा परेशान करके रखा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम है इसका कारण। ठीक है, हम लोग ही है, क्योंकि बहुत मुश्किल से सब कुछ नॉर्मल होने लगता है, फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। तो ऐसा बार बार क्यों हो रहा है गाइज? ये सब हम लोगों की वजह से हो रहा है। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये आप लोगों को अभी आगे वीडियो में पता चलने वाला है। तो बींग हिमाचली, मैं शिमला में रहती हूँ और बींग हिमाचली मैंने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है यहाँ पे भी, पर हिमाचल की हालत फिर भी बाकी स्टेट से तो काफी अच्छी है। लेकिन मैं लास्ट 6-7 मंथ से चंडीगढ़ में रह रही थी, तो मुझे यहाँ का इतना ज्यादा कुछ आइडिया था नहीं। लेकिन अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने होम टाउन, तो मैंने काफी कुछ ऑब्जर्व किया है जो कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को अभी आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली और वीडियोज जो है इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स भी मेरे चैनल पे आते हैं और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस भी मैं बनाती रहती हूँ, तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। तो बात करते हैं शिमला के हालात की, कि क्या हालात है यहाँ पे, तो मैंने क्या क्या ऑब्जर्व किया है, तो उस पर एक बार नजर डाल देते हैं। हैव अ लुक। सो ये क्लिप्स है शिमला के मॉल रोड की, जहाँ लाखों की तादाद में हर साल टूरिस्ट घूमने आते हैं। ओ, कुछ दिखा क्या? नहीं, चलो दोबारा देखते हैं इसी क्लिप को। क्या कहा, अभी भी नहीं दिखा? अच्छा चलो गौर से देखो इन दो बॉयज को, जिन्होंने अपना मास्क अपने गले पर पहना हुआ, क्योंकि इनके लिए कोरोना इनके गले से होकर जाएगा। अरे यार, तुम्हारे बीच में ये जो बंदा चल रहा है इसी से कुछ सीख लो, उसने अपना मास्क बिल्कुल अच्छे से पहना हुआ है। और अब इस क्लिप को आप लोग ध्यान से देखिए, ये है शिमला का लोअर बाजार, जहाँ पे ये दो लड़कियाँ ऐसे पकड़कर एक दूसरे को चल रही हैं जैसे गुम ना हो जाएं। और ये भाई साहब भी बिल्कुल टेंशन फ्री होकर चल रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की अच्छे से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और इन भाई साहब ने तो हद ही कर दी है, इन्हें कोई डर नहीं है कि इनके साथ एक पुलिस वाला चल रहा है, फिर भी इन्होंने मास्क नहीं लगाया है और वो पुलिस वाले अंकल भी इनको कुछ नहीं बोल रहे। और अब इन अंकल को देख लीजिए, इन्होंने ना तो खुद मास्क लगाया है और ना ही इनके बच्चे को लगाया है, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो हम उन्हें सिखाते हैं। तो ये तो थी मेरी ऑब्जर्वेशन जो आप लोगों को मैंने बताई। तो अब बात करते हैं पापा से, जो कि पिछले 2-2.5 सालों से ही एक कोरोना वॉरियर के रूप में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में है पापा। तो उनसे आज हम जानेंगे कि उनका कैसे एक्सपीरियंस रहता है, क्या क्या उन्हें फेस करना पड़ता है हॉस्पिटल में, है ना। तो पापा कैसे, मतलब जैसे लोग पैनिक भी हो जाते हैं, है ना, बहुत पैनिक कर जाते हैं, तो क्योंकि आजकल किसी को पता चलता है हमें कोरोना हो गया तो बहुत पैनिक कर जाता है वो, तो क्या क्या फेस करना पड़ता है आपको? अभी कोई 4-5 दिन पहले तक तो पोजिशन यहाँ शिमला में हिमाचल प्रदेश में नॉर्मल थी, लेकिन अभी पिछले तकरीबन 3-4 दिन से हालत अब वही उसी ओर जा रही है जहां से पहले चली थी। जो हाल पिछले सालों में था उसी रेशो में अब दोबारा से पेशेंट्स आ रहे हैं। और इसका मैं तो ये कारण समझता हूं, क्योंकि मैं तो पेशेंट्स के बीच में ही रहता हूं हर समय, तो हम प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। अभी पीछे देखा हमने क्रिसमस पर, न्यू ईयर पर, इतना क्राउड कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी मॉल रोड पर इतना रश नहीं देखा था कि यहाँ पर कभी लाठी चार्ज करने की भी नौबत आ सकती। और जितने भी हमारे आसपास के पड़ोसी राज्यों के टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो मास्क किसी के फेस पे नहीं। हाँ, हिमाचली लोग जितने हमारे यहाँ के हैं, अगर आप देखेंगे 99.99 भी नहीं, मैं कह सकता 100%, एक भी कोई लोकल आदमी यहाँ का विदाउट मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और वो सारी चीजें अभी तक भी करता चला आ रहा है। ये जो कुछ अभी भी दोबारा से ये सेकेंड वेव, थर्ड वेव जिसे कह रहे हैं, या ओमिक्रॉन की बात करें, ये सब कुछ
टूरिस्टों ने ही यहाँ पर तो, जो बाहर से लोग आ रहे हैं। हाँ, पिछली बार भी जब यहाँ फैला था तो तभी के बॉर्डर लेक बंद हुए और फैसला बाद में लिया गया, तो तब तक वो टूरिस्टों ने अपना काम कर दिया हुआ था। बिल्कुल वैसा इस बार भी है। तो ये कारण है एक कि हम खुद ही से फैलाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो पापा ये तो सारी बोलते हैं कि हाथ धो, मास्क लगा के रखो, सैनिटाइजर लगाओ, वो सो है ना, आप ऐसी कोई चीजें हमें बता सकते हो कि क्या प्रिकॉशन इसके अलावा क्या लेनी चाहिए और किस क्या ऐसा करें कि जिससे बचा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं, आप हंसेंगे भी मेरी बात पर, लाखों करोड़ों करोड़ों के लोग हैं इस दुनिया में और सभी अपने अपने तरीके से इस प्रभु को, परमात्मा को मानते हैं। बिल्कुल। उसमें आस्था रखिए, उसकी पूजा अर्चना कीजिए, उसमें विश्वास रखिए। देखिए, समय कभी एक जैसा नहीं रहता है। देखिए, वो समय था कैसे हम खेलते थे, घूमते थे, प्रोग्राम होते थे, मेले मनाते थे, सारे फंक्शंस अटेंड करते थे, एक हंसी खुशी का खुला वातावरण था ना, वो नहीं रहा। किस तरह से पीछे हमने अभी 2.5-3 साल से कैसा वातावरण देखा, ये भी नहीं रहेगा, ये वही जानता है। अच्छी बुक्स पढ़िए, धार्मिक किताबें पढ़िए, मनोरंजन कीजिए, खुश रहिए, पौष्टिक आहार लीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने अच्छा बिजी रखो, हेल्दी खाना खाइए, बिजी रहिए, खुश रहिए, अपना मनोरंजन करते रहिए, घर परिवार में रहिए, अपनी साफ सफाई रखिए, अपने आस पड़ोस की साफ सफाई रखिए और बाहर जितना हो सके कम, हाँ कम जाइए, बहुत जरूरी काम है, घर का एक मेंबर जाकर के वो काम जरूरी करके आ जाए, अपने घर में समय बिताइए। देखा ना बाजारों में कितनी कितनी भीड़, ठीक है काम के लिए जाना भी पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम लोग वैसे ही घूम रहे हैं। गवर्नमेंट देखा कितनी ऐड दे रही है, बिल्कुल, करोड़ों अरबों अरबों रुपया खर्च कर दिया हमें अवेयर करने के लिए, हमें जागरूक करना चाह रहे हैं ना कि हम अपना बचाव कर लें, पर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक कान से हम सुनते हैं दूसरे से निकल, नुकसान किसका है, हमारा है। दोस्तों, मैं तो उन लोगों के बीच में रहा हूं और ऐसे ऐसे मैंने वो नजारे देखे उस समय में, कोरोना काल में, क्योंकि मैं स्वयं हेल्थ से रिलेटेड हूं, मेरी जॉब भी उस टाइप की है, कि ऐसा वातावरण कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं देख करके। ऐसे समय में चाह कर भी कोई हेल्प नहीं कर सकता, कोई हेल्प नहीं कर, हमें अपनी हेल्प खुद करनी होगी। स्वयं खुश रहें, स्वयं उन सब चीजों को अपने ऊपर लागू करें, दूसरों को भी कहें, अपना बचाव अपने हाथ में है, वरना कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। बहुत अच्छे से पापा ने समझाया, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा जो भी पापा ने अभी बताया, मुझे भी काफी अच्छा लगा और आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिए एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।